हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 विंड्स स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स को रीड करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि विंड्स क्या होती है, स्टॉर्म्स क्या होते हैं और साइक्लोन्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं और हमारे जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। ओरिसा वॉज हिट बाय अ साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999, यानी कि 18 अक्टूबर 1999 को ओरिसा से एक साइक्लोन टकराया था जिसकी विंड स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस, यानी कि साइक्लोन की वजह से लगभग 45,000 घर नष्ट हो गए थे और लगभग 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर अ सेकेंड साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर हिट ओरिसा अगेन। उसी साल 29 अक्टूबर को ओरिसा से एक और साइक्लोन टकराया स्टूडेंट्स जिसकी विंड स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर। इट वॉज अकम्पनीड बाय वॉटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई, यानी कि इस बार जो साइक्लोन ओरिसा से टकराया उसके साथ 9 मीटर्स हाई वाटर वेव्स वहां पर बनी थी, यानी 9 मीटर ऊंची वो पानी की लहरें भी साथ में आई थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट दियर लाइफ, हजारों लोगों की जाने गई थी। प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज वॉज डिस्ट्रॉयड, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी नष्ट हो गई थी। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी के साइक्लोन का एग्रीकल्चर पे, ट्रांसपोर्ट पे, कम्युनिकेशन पे और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। बट वट आर साइक्लोन्स, साइक्लोन्स होते क्या हैं, हाउ आर दे फॉर्म्ड, ये बनते कैसे हैं, वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, ये इतने विनाशकारी कैसे होते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस, इस चैप्टर में हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे। वी बिगिन विथ सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर, हम कुछ एक्टिविटीज से स्टार्ट करेंगे जो कि एयर से रिलेटेड है। दीज एक्टिविटीज विल क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग अ साइक्लोन, इन एक्टिविटीज से हम साइक्लोन के बेसिक फीचर्स के बारे में समझेंगे। बिफोर वी बिगिन, शुरू करने से पहले, रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड, याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि मूविंग एयर को ही विंड कहा जाता है, यानी जब एयर में मूवमेंट होती है तो उसे हम विंड कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, यानी हवा भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, यानी हवा भी ताकत लगाती है। अब हम एक्टिविटी 8.1 देखेंगे। टेक अ टिन कैन विद अ लिड, आपको एक टिन कैन लेना है ढक्कन के साथ। फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विद वॉटर, और इस टिन कैन को आप आधा पानी से भर देंगे। हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वॉटर बॉइल्स, इसके बाद आप कैंडल फ्लेम से इस कैन को हीट देंगे जब तक कि पानी बॉयल नहीं हो जाता। लेट द वॉटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट्स, और उसके बाद कुछ मिनट के लिए आप पानी को बॉयल होने देंगे। ब्लो आउट द कैंडल, और उसके बाद आप कैंडल को बुझा देंगे। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन, और उसके तुरंत बाद आप उस कैन को ढक्कन से टाइटली बंद कर देंगे। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन, और इस हॉट कैन को आप केयरफुली हैंडल कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे हाथ भी जल सकता है। उसके बाद हमसे कहा गया है पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटेलिक वेसल और अ वॉश बेसिन, और उसके बाद इस कैन को केयरफुली आप एक मेटेलिक वेसल में रख देंगे या फिर वॉश बेसिन में रख देंगे। पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, और उसके बाद आप इस कैन के ऊपर फ्रेश वाटर डालेंगे। वट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन, अब आपको देखना है कि इस कैन की शेप के साथ क्या होता है। कैन यू गैस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्टोर्टेड, क्या आप गैस कर सकते हैं कि कैन की शेप डिस्टोर्टेड कैसे हो गई, यानी कि शेप बिगड़ कैसे गई।
यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये वही कैन है जिसको हमने आधा पानी से भरा था और कैंडल फ्लेम से इसको हीट दी थी, और जब ये पानी अच्छी तरह से बॉयल्ड हो गया था तो हमने कैंडल फ्लेम को बुझाकर उसके बाद फटाफट इस कैन को ढक्कन से टाइटली बंद कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हमने इस कैन के ऊपर फ्रेश वाटर डाला तो देखिए इस कैन की जो शेप है वो यहाँ पर डिस्टॉर्टेड हो गई है, यानी कैन की शेप बिगड़ गई है। अब हम आपको समझाते हैं स्टूडेंट्स कि ये कैन की शेप बिगड़ी कैसे। देखिए इस कैन को हमने आधा पानी से भरा था, यानी इस कैन के अंदर आधी जगह तो पानी से भरी हुई थी और बाकी आगे आधी जगह जो थी ऊपर की वो हवा से भरी हुई थी, और उसके बाद हमने इस पानी को बॉयल किया। और जब पानी बॉयल होता है स्टूडेंट्स, तो जो वाटर होता है, जो पानी होता है, वो वाटर वेपर में चेंज होता है, यानी गैसियस फॉर्म में चेंज होता है। तो जब यहाँ पर पानी बॉयल हुआ तो ये पानी के जो पार्टिकल्स है ये वाटर वेपर में चेंज हुए गैसियस फॉर्म में, और ये ऊपर की तरफ उठते हैं, और जो हवा थी ऊपर की तरफ वो बाहर निकल जाती है। तो इसको जब हमने कैंडल को बुझाने के बाद फटाफट इसको टाइटली ढक्कन से बंद कर दिया था, तो अब इसके बाद कैन में क्या बचा, थोड़ी सी क्वांटिटी में वाटर बचा और बाकी वाटर वेपर बचा जो कि गैसियस फॉर्म में था। अब हम आपको जो समझा रहे हैं स्टूडेंट्स उसको ध्यान से समझिएगा। अगर हम एक खाली कैन लेते हैं तो उसकी शेप अपने आप नहीं बदलती, ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? देखिए कैन के बाहर हवा होती है और वो हवा ताकत लगाती है अंदर की तरफ, कैन के अंदर की तरफ, और कैन के अंदर भी हवा होती है जो ताकत लगाती है बाहर की तरफ, और ये जो ताकत लगती है बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ, ये इक्वल होती है, जिसकी वजह से कैन की शेप में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जब पानी अच्छे से बॉयल हो गया और उसके बाद हमने कैन को ढक्कन से टाइटली पैक कर दिया, तो अब उस कैन के अंदर क्या बचा, कुछ क्वांटिटी में तो पानी बचा और उसके अलावा वाटर वेपर बचा जो कि गैसियस फॉर्म में था, और जो हवा थी वो तो बाहर निकल गई क्योंकि हवा की जगह जो वाटर वेपर थे उन्होंने ले ली। और जब हमने इस कैन के ऊपर फ्रेश वाटर डाला तो इस कैन में जो वाटर वेपर्स थे गैसियस फॉर्म में उन्हें ठंडक मिली। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब वाटर वेपर को ठंडक मिलती है तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ स्टूडेंट्स, जब वाटर वेपर्स को ठंडक मिली तो वो लिक्विड में चेंज हो गए। अब देखिए क्या हुआ, जो कैन के बाहर हवा है वो अभी भी ताकत लगा रही है अंदर की तरफ, और अंदर जो पहले हवा थी जो बाहर की तरफ ताकत लगा रही थी, जिसकी वजह से कैन की शेप नॉर्मल बनी हुई थी, अब वो कैन के अंदर वाली हवा तो है नहीं, तो जो बाहर जो हवा है उसकी ताकत अब ज्यादा हो गई तो वो अंदर की तरफ कैन को दबा देती है, जिसकी वजह से कैन की शेप बिगड़ जाती है। इसके बाद हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, इफ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल, यानी कि अगर आपको टिन कैन नहीं मिलता है तो आप एक सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल यूज कर सकते हैं, फिल इट विद हॉट वाटर, इस बॉटल को आप गर्म पानी से भर दीजिए, एम्प्टी द बॉटल एंड इमीजिएटली कैप इट टाइटली, फिर आप इस बॉटल को खाली कर दीजिए और फटाफट उसको ढक्कन से टाइटली पैक कर दीजिए, प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर, उसके बाद आप इस बॉटल को रनिंग वाटर के नीचे रख दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस चलेगा जो टिन कैन के केस में था। देखिए जब आपने बॉटल के अंदर गर्म पानी को डाला, ठीक है, तो गर्म पानी से वाटर वेपर निकलेंगे जो कि गैसियस फॉर्म में होंगे, और फिर आपने उस बॉटल को खाली किया और फटाफट ढक्कन से उसको टाइटली पैक कर दिया। अब उस बॉटल के अंदर क्या है, अब उस बॉटल के अंदर वाटर वेपर है जो कि गैसियस फॉर्म में है, लेकिन अभी भी ये बॉटल नॉर्मल फॉर्म में है क्योंकि बाहर से जो हवा ताकत लगा रही है बॉटल के अंदर की तरफ, तो बॉटल के अंदर अभी भी वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में है जो कि बाहर की तरफ ताकत लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर पानी डालते हैं तो ये जो वाटर वेपर है बॉटल के अंदर ये कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, और जैसे ही ये लिक्विड में चेंज होते हैं तो बॉटल के अंदर जो गैस है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि जो गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर थे वो तो लिक्विड में चेंज हो गए, तो अंदर से जो ताकत बाहर की तरफ लग रही थी वो तो अब खत्म हो गई, लेकिन बाहर से हवा की जो ताकत अंदर की तरफ लग रही थी वो अब ज्यादा हो गई है, तो वो बॉटल को अंदर की तरफ दबा देती है।
टिन कैन के केस में भी तो यही हुआ था स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पर भी जब तक हमने पानी नहीं डाला था टिन कैन के ऊपर, तब तक टिन कैन की शेप चेंज नहीं हुई थी, क्योंकि उसके अंदर जो वाटर वेपर थे वो गैसियस फॉर्म में थे और वो अंदर से बाहर की तरफ ताकत लगा रहे थे। वेन यू फ्लाई अ काइट, डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प? यानी कि जब आप काइट उड़ाते हैं तो आपके पीछे से आने वाली हवा क्या आपकी मदद करती है? तो आपने ध्यान दिया होगा स्टूडेंट्स कि आप हवा की डायरेक्शन में ही काइट उड़ाते हैं, क्योंकि हवा भी उस काइट के ऊपर एक ताकत लगाती है जिससे काइट को उड़ाना इजी हो जाता है। इफ यू आर इन अ बोट, इज इट इजियर टू रो इट इफ देयर इज विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू? इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आप हवा की डायरेक्शन में बोट को चलाते हैं तो इससे आपको बोट को चलाना इजी हो जाता है, क्योंकि हवा भी बोट पर ताकत लगाती है। इसके बाद हमसे कहा गया है, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड? इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आप विंड की अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल चलाते हैं तो आपको मुश्किल आती है, क्योंकि विंड आपके ऊपर ताकत लगाती है और आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती है। यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इन टू द बाइसिकल ट्यूब टू कीप इट टाइट। आप जानते हैं स्टूडेंट्स के जो साइकिल के टायरों में जो ट्यूब होती है हमें उसमें हवा भरनी पड़ती है। ऑल्सो यू नो दैट अ बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल्ड विद एयर मे बर्स्ट। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि साइकिल के टायर में जो ट्यूब होती है अगर उसमें ज्यादा हवा भर जाए तो वो फट भी सकती है। वट इज द एयर डूइंग इन साइड द ट्यूब? ट्यूब के अंदर एयर क्या करती है? ट्यूब में ज्यादा हवा भरने से ट्यूब इसलिए फट जाती है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब ट्यूब में ज्यादा हवा होती है तो वो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करती है, वो ज्यादा ताकत लगाती है बाहर की तरफ, जिसकी वजह से ट्यूब फट जाती है। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस शोज दैट द एयर एग्जर्ट्स प्रेशर। ये सभी एक्सपीरियंस, ये सभी एग्जाम्पल्स हमें ये बताते हैं स्टूडेंट्स कि जो एयर है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है। इट इज ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर्स और फ्लैग्स फ्लटर व्हेन द विंड इज ब्लोइंग। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब तेज हवा चलती है तो पेड़ों की पत्तियां, बैनर्स, फ्लैग्स ये फड़फड़ाते हैं, तेजी से हिलते हैं, क्योंकि जो विंड होती है वो इन सब चीजों पर प्रेशर लगाती है, ताकत लगाती है। इसके बाद हमसे कहा गया है, लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन और द बोतल गेट्स डिस्टोर्टेड। यहां पर हमें यह बताया गया स्टूडेंट्स कि जो एक्टिविटी अभी हमने देखी थी जिसमें कैन या फिर बोतल डिस्टोर्टेड हो गए थे, यानी उनकी शेप बिगड़ गई थी, वो किस वजह से हुआ था? हम आपको ऑलरेडी डिटेल में ये समझा चुके हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर यही लिखा है, एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन, सम स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड। जब हमने पानी को कैन के ऊपर डाला तो कैन के अंदर जो स्टीम थी, यानी जो वाटर वेपर थे जो गैसियस फॉर्म में थे, वो कंडेंस होकर वाटर में चेंज हो गए थे, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, जिससे कि कैन के अंदर जो एयर थी, जो हवा थी, वो कम हो गई थी। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेज देन द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन। अब क्योंकि कैन के अंदर हवा कम हो चुकी थी तो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर कम लग रहा था, ताकत कम लग रही थी, जबकि कैन के बाहर जो हवा थी वो ज्यादा ताकत लगा रही थी अंदर की तरफ। एज अ रिजल्ट द कैन गेट्स कंप्रेस्ड, जिसकी वजह से कैन कंप्रेस्ड हो गई, यानी दब गई और उसकी शेप बिगड़ गई। दिस एक्टिविटी अगेन कंफर्म्स दैट एयर एग्जर्ट्स प्रेशर। ये एक्टिविटी हमें ये बताती है स्टूडेंट्स कि जो एयर है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है, यानी ताकत लगाती है। इसके बाद हमें दिया गया है, हाई स्पीड विंड्स आर एकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। यानी कि हाई स्पीड विंड्स एयर प्रेशर को रिड्यूस कर देती है, एयर प्रेशर को कम कर देती है। अब हम एक्टिविटी 8.2 देखते हैं स्टूडेंट्स। एक्टिविटी 8.2 में हमें दिया गया है, क्रम्पल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बोल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बॉटल। यानी कि आप एक पेपर बोल बनाएंगे और पेपर बोल का साइज जो बोतल का जो ओपनिंग है, यानी बोतल का जो मुंह होता है, उससे छोटा होना चाहिए। होल्ड द एम्प्टी बॉटल
on its side and place the paper ball just inside its mouth. यानी कि पेपर बॉल को आप बोतल की ओपनिंग के पास ही रख देंगे, बिल्कुल अंदर की तरफ नहीं डालना है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया, देखिए ये बोतल की ओपनिंग है और इसके बिल्कुल पास में ये पेपर बॉल को रख दिया गया है, और पेपर बॉल का जो साइज है वो बोतल की ओपनिंग से, यानी बोतल की जो यहाँ पर मुंह है उससे छोटा है। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इन टू द बोतल। अब आप अपने मुंह से जोर से हवा मार के पेपर बॉल को बोतल के अंदर धकेलने की कोशिश करेंगे। ट्राई दी एक्टिविटी विद बोटल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। यही एक्टिविटी आपको अलग अलग साइज की बोटल्स के साथ करने के लिए कहा गया है। चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इन टू द बोटल। यानी कि आप अपने फ्रेंड्स को भी ये चैलेंज कर सकते हैं कि क्या वो फूंक मार के पेपर बॉल को बोतल के अंदर लेकर जा सकते हैं। पहेली एंड बूझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब पहेली और बूझो के मन में ये सवाल आ रहा है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इन टू द बोटल, कि पेपर बॉल को फूंक मार के बोतल के अंदर धकेलना मुश्किल क्यों है। यानी कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम पेपर बॉल पे जोर से फूंक मारते हैं तो वो आसानी से बोतल के अंदर नहीं जाती। अब हम आपको ये डिटेल में समझाएंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। जब आप यहाँ पर जोर से फूंक मारते हैं इस जगह पे, तो यहाँ पर विंड स्पीड तेज हो जाती है, और विंड स्पीड ज़्यादा होने की वजह से इस जगह पे एयर का प्रेशर कम हो जाता है, यानी एयर अंदर की तरफ कम प्रेशर लगाती है, जबकि बोतल के अंदर जो एयर है वो बाहर की तरफ ज्यादा प्रेशर लगाती है। क्योंकि अंदर की तरफ तो विंड स्पीड तेज नहीं है, तो अंदर की तरफ से जो बाहर की ओर प्रेशर लगता है, एयर प्रेशर, वो ज्यादा होता है। इसकी वजह से इस पेपर बॉल को अंदर की तरफ पुश करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बोतल के अंदर जो एयर है वो बाहर की तरफ ज्यादा ताकत लगा रही है। अब हम एक्टिविटी 8.3 देखते हैं। टेक टू बेलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज। यानी कि आपको दो बेलून लेने हैं इक्वल साइज के। पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बेलून्स। अब आपको दोनों ही बेलून्स में थोड़ी सी मात्रा में पानी डालना है। ब्लो अप बोथ द बेलून्स एंड टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग। अब आप दोनों बेलून्स में हवा भरेंगे और दोनों को ही धागे से बांध देंगे। उसके बाद हमें कहा गया है, हैंग द बेलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक और अ स्टिक। यानी कि अब आप इन दोनों बेलून्स को 8 से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक साइकिल स्पोक के साथ या एक स्टिक के साथ बांध देंगे, जैसे कि यहां पर डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों बेलून्स के बीच में यहाँ देखिए 8 से 10 सेंटीमीटर का गैप रखा गया है, और इसको यहाँ पर स्टिक के साथ बांधा गया है। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बेलून्स। यानी कि इन दोनों बेलून्स के बीच में जो खाली जगह है, अब आपको वहां पर जोर से फूंक मारनी है। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, व्हाट हैपेंस। अब आपको देखना है कि इससे क्या होता है। अब हम आपको समझाते हैं स्टूडेंट्स कि इस एक्टिविटी में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब आप दोनों बेलून्स के बीच में ये जो खाली जगह है, जब आप यहाँ पर जोर से फूंक मारते हैं, तो इन दोनों बेलून्स के बीच में यहाँ पर जो विंड स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है, और हम जानते हैं कि जब विंड स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है। यानी जब हमने यहाँ पर जोर से फूंक मारी दोनों बेलून्स के बीच में इस खाली जगह पर, तो इस जगह पर एयर का प्रेशर रिड्यूस हो गया, एयर का प्रेशर कम हो गया। लेकिन बेलून की दूसरी साइड्स में, यानी इस साइड में और इस साइड में, अभी भी एयर प्रेशर ज्यादा है। यानी कि यहाँ से भी एयर अंदर की तरफ अभी ताकत लगा रही है, और यहाँ से भी एयर अंदर की तरफ ऐसे ताकत लगा रही है। और पहले जो एयर की ताकत अंदर से यहाँ से बाहर की तरफ लग रही थी, वो अब यहाँ से कम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर तो विंड स्पीड तेज है तो एयर प्रेशर कम हो चुका है। तो अब होगा क्या स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पर जोर से फूंक मारते हैं और विंड स्पीड ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जब एयर प्रेशर अंदर की तरफ कम हो जाता है, तो दोनों तरफ से बाहर से जो एयर का प्रेशर है वो इस तरीके से दोनों बेलून्स को पास ले आएगा। यानी इधर से भी बेलून के ऊपर अंदर की तरफ ताकत लग रही है, और इधर से भी अंदर की तरफ ताकत लग रही है, तो यहां पर ये दोनों बेलून एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे।
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्टिविटी क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे। अब हम एक्टिविटी 8.4 देखेंगे। होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर एज शोन इन द फिगर 8.5। यानी कि आपको एक स्ट्रिप ऑफ पेपर लेना है जो 20 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए और 3 सेंटीमीटर वाइड यानी 3 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। इस स्ट्रिप ऑफ पेपर को आप अपने थंब और फोर फिंगर के बीच में पकड़ लेंगे। नाउ ब्लो ओवर द पेपर, और उसके बाद आपको पेपर के ऊपर की तरफ जोर से फूंक मारनी है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको थंब और फोर फिंगर के बीच में स्ट्रिप ऑफ पेपर लेना है और इसके ऊपर की तरफ यानी कि स्ट्रिप ऑफ पेपर के ऊपर की तरफ जोर से फूंक मारनी है। पहेली थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप। पहेली को लगता है कि जो पेपर स्ट्रिप है वो ऊपर की तरफ उठेगी। बूझो थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन। बूझो को लगता है कि वो स्ट्रिप नीचे की तरफ झुक जाएगी। वट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर। आपको क्या लगता है इस पेपर के साथ क्या होगा? ये ऊपर की तरफ उठेगा या नीचे की तरफ झुक जाएगा? अब हम आपको ये एक्टिविटी डिटेल में समझाएंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। जब आप इस पेपर स्ट्रिप के ऊपर की तरफ जोर से फूंक मारेंगे तो पेपर स्ट्रिप के ऊपर की तरफ विंड स्पीड ज्यादा हो जाएगी और पेपर के ऊपर की तरफ जो एयर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। यानी कि पेपर स्ट्रिप के ऊपर जो एयर थी और जो नीचे की तरफ ताकत लगा रही थी, अब वो एयर प्रेशर अब कम हो चुका है, लेकिन पेपर स्ट्रिप के नीचे की तरफ जो एयर है वो अभी भी ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रही है, जिसकी वजह से ये पेपर स्ट्रिप ऊपर की तरफ उठेगी। यहां पर आप देख सकते हैं ये पेपर स्ट्रिप ऊपर की तरफ उठ रही है, क्योंकि ऊपर की तरफ जो एयर प्रेशर था, जो नीचे ताकत लगा रहा था, वो अब कम हो गया क्योंकि विंड स्पीड तेज हो गई। और हम जानते हैं कि जहां पर विंड स्पीड तेज होती है वहां एयर प्रेशर कम हो जाता है। नीचे की एयर ऊपर की तरफ अभी भी प्रेशर लगा रही है तो ये पेपर स्ट्रिप को ऊपर की तरफ उठा देगी। इसके बाद हमसे कहा गया है लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशंस इन एक्टिविटीज 8.2, 8.3 एंड 8.4। यानी कि अब हमें यह देखना है कि एक्टिविटीज 8.2, 8.3 एंड 8.4 से हमें क्या पता चलता है। हम ऑलरेडी आपको ये तीनों एक्टिविटीज के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि इन तीनों एक्टिविटीज से हमें क्या नॉलेज मिलती है, हमें क्या पता चलता है। वर दी ऑब्जर्वेशंस अलॉन्ग द लाइन्स यू थॉट। जो आपने सोचा था क्या वही ऑब्जर्वेशंस आपने यहाँ पर देखी, यानी इन एक्टिविटीज में आपने वही चीजें देखी जो आप सोच रहे थे। डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकम्पनीड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। इन एक्टिविटीज को देखने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि जब विंड स्पीड इंक्रीज हो जाती है, जब विंड स्पीड ज्यादा हो जाती है तो एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. जब हमने बोतल के माउथ के पास जोर से फूंक मारी थी तो बोतल के माउथ के पास जो विंड स्पीड थी वो ज्यादा हो गई थी, यानी एयर की स्पीड ज्यादा हो गई थी। दिस डिक्रीजेज द प्रेशर देयर, जिसकी वजह से बोतल के मुंह के पास जो एयर प्रेशर था वो कम हो गया था। द एयर प्रेशर इन साइड द बोतल इज हायर देन नियर द माउथ। लेकिन बोतल के अंदर जो एयर थी उसका एयर प्रेशर अभी भी ज्यादा था। किसके कंपैरिजन में? उस एयर के कंपैरिजन में जो कि बोतल के माउथ के पास थी। इसका मतलब बोतल के अंदर जो एयर थी वो अब भी बाहर की तरफ ताकत लगा रही थी, जबकि बोतल के बाहर विंड स्पीड तेज होने की वजह से जो एयर प्रेशर था, जो अंदर की तरफ ताकत लग रही थी, वो कम हो गई थी। द एयर इन साइड द बोटल पुश द बॉल आउट। और बोटल के अंदर जो एयर थी, क्योंकि वो बाहर की तरफ ताकत लगा रही थी, तो वो जो पेपर बॉल थी वो उसको बाहर की तरफ पुश कर रही थी। इन एक्टिविटी 8.3 यू सो दैट वेन यू ब्लू बिटवीन द बलून्स दे मूव टुवार्ड्स ईच अदर। एक्टिविटी 8.3 में हमने देखा था स्टूडेंट्स कि जब हमने दो बेलून्स के बीच में जोर से फूंक मारी थी तो वो दोनों बेलून्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे। हाउ कुड दिस हैपन, ऐसा कैसे हो सकता है? दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बेलून्स वर समहाउ रिड्यूस्ड। ऐसा इसलिए हो सकता है स्टूडेंट्स कि अगर दो बेलून्स के बीच में
एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाए, यानी एयर प्रेशर कम हो जाए, तो दोनों बैलून्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। द प्रेशर आउटसाइड द बैलून्स वुड देन पुश देम टुवार्ड्स ईच अदर। अब बैलून्स के बीच में जो एयर प्रेशर है वो तो कम हो चुका है, लेकिन दोनों बैलून्स के बाहर की तरफ जो एयर प्रेशर है वो दोनों बैलून्स पे ताकत लगाकर उनको एक दूसरे की तरफ मूव कराता है। यानी कि दोनों बैलून्स के बाहर की तरफ जो प्रेशर है वो उन दोनों बैलून्स को एक दूसरे की तरफ पुश करता है, जिससे कि वो दोनों बैलून्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। इन एक्टिविटी 8.4 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लू ओवर द पेपर स्ट्रिप इट वेंट अपवर्ड्स। एक्टिविटी 8.4 में हमने देखा था स्टूडेंट्स कि अगर आप पेपर स्ट्रिप के ऊपर की तरफ जोर से फूंक मारते हैं तो पेपर स्ट्रिप ऊपर की तरफ उठता है। अगेन दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। इस एक्टिविटी में भी सेम कंसेप्ट काम करता है स्टूडेंट्स। जब आप पेपर स्ट्रिप के ऊपर की तरफ जोर से फूंक मारते हैं तो पेपर स्ट्रिप के ऊपर की तरफ विंड स्पीड ज्यादा हो जाती है, और जब विंड स्पीड ज्यादा हो जाती है तो पेपर स्ट्रिप के ऊपर की तरफ एयर प्रेशर कम हो जाता है, यानी जो ताकत एयर नीचे की तरफ लगा रही थी वो अब कम हो जाती है। लेकिन पेपर स्ट्रिप के नीचे की तरफ जो हवा थी वो अभी भी ऊपर की तरफ ही प्रेशर लगा रही थी, यानी ऊपर की तरफ ताकत लगा रही थी, जिसकी वजह से पेपर स्ट्रिप ऊपर की तरफ उठ जाता है। वी सी दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड अकम्पनीड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तो इन तीन एक्टिविटीज से हमने ये सीखा स्टूडेंट्स कि जब विंड स्पीड ज्यादा होती है, विंड स्पीड जब तेज होती है, तो एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, यानी कि एयर प्रेशर कम हो जाता है। इसके बाद हमसे कहा गया है, कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड्स ब्लू ओवर द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर बिल्डिंग्स की छत के ऊपर अगर बहुत तेज स्पीड से विंड्स चले तो क्या होगा? इफ द रूफ्स वर वीक दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे। यानी कि अगर बिल्डिंग की छत कमजोर होगी तो वो छत उखड़ जाएगी और उड़ के दूर चली जाएगी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि विंड्स बनती कैसे हैं, विंड्स बारिश यानी रेन कैसे लेकर आती हैं, और विंड्स कई बार बहुत विनाशकारी भी कैसे साबित हो जाती हैं। यू ऑलरेडी नो दैट वेन एयर मूव्स इट इज कॉल्ड विंड। आप जानते हैं कि जब एयर मूव करती है तो इसे हम विंड कहते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो एयर है वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करती है, यानी जिस जगह पर एयर का प्रेशर ज्यादा होता है वो वहां से उस तरफ मूव करती है जिस तरफ एयर का प्रेशर लो होता है, यानी कम होता है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। यानी अगर दो जगहों के बीच में जितना ज्यादा एयर प्रेशर का डिफरेंस होगा, एयर उतनी ही ज्यादा स्पीड से मूव करती है। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन नेचर। लेकिन नेचर में एयर प्रेशर का ये डिफरेंस क्रिएट कैसे होता है? इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व। क्या एयर प्रेशर का डिफरेंस टेम्परेचर की वजह से होता है? द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। अब जो एक्टिविटीज हम देखेंगे उससे हमें इसके बारे में पता चलेगा। इसके बाद हमें दिया गया स्टूडेंट्स, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, यानी हवा गर्म होने पर फैलती है। अब हम एक्टिविटी 8.5 देखेंगे। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, स्ट्रेच अ बेलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। यानी कि पहले तो आपको एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है और उस बॉइलिंग ट्यूब के मुंह के ऊपर यानी उसकी ओपनिंग के ऊपर आपको एक बेलून टाइट करके लगा देना है। यू कैन यूज अ टेप टू मेक इट टाइट। आप टेप का इस्तेमाल करके भी ये बैलून टाइट करके उस बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद हमसे कहा गया है, पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर। फिर एक बीकर में आपको गर्म पानी लेना है। इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बैलून इन द हॉट वाटर। और उसके बाद उस बॉइलिंग ट्यूब को जिसके ऊपर आपने बैलून लगाया हुआ है उस बीकर में डालना है जिसमें कि हॉट वाटर है। ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ द बैलून।
अब आपको 2 से 3 मिनट का वेट करना है और देखना है कि बैलून की शेप में कोई चेंज आता है या नहीं। उसके बाद हमसे कहा गया है, टेक द ट्यूब आउट, लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर। यानी अब आप इस ट्यूब को बीकर से बाहर निकालेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद द बलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2 to 3 मिनट्स। इसके बाद आप एक और बीकर लेंगे और उसमें ठंडा पानी डालेंगे और उस ट्यूब को जिसके ऊपर आपने बलून लगाया है अब आप इस बीकर में डालेंगे जिसमें ठंडा पानी है। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून और 2-3 मिनट के बाद आप चेक करेंगे कि बलून की शेप में कोई चेंज आता है या नहीं। हम आपको इस डायग्राम की मदद से ये एक्टिविटी समझाएंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर ये एक ट्यूब है जिसके ऊपर टाइट करके ये बैलून लगाया गया है। यहाँ पर इस बीकर में गर्म पानी है जिसके अंदर इस ट्यूब को डाला गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो बैलून है इसकी देखिए शेप चेंज हो गई। पहले शेप ऐसी थी और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शेप चेंज हो गई, बैलून ऊपर की तरफ उठ गया है। यहाँ पर बैलून की शेप में चेंज क्यों आया स्टूडेंट्स, तो आप याद रखिएगा कि जब भी हवा गर्म होती है तो हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। तो जब ये टेस्ट ट्यूब यहाँ पर इस बीकर में डाली गई जिसमें कि गर्म पानी था, तो इस ट्यूब के अंदर जो हवा थी वो गर्म हुई, उसका टेम्परेचर बढ़ा और जब वो हवा गर्म हुई तो वो हल्की होकर ऊपर की तरफ उठी, जिसकी वजह से ये बैलून ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद जब हमने इसी ट्यूब को एक दूसरे बीकर में डाला जिसमें ठंडा पानी था, तो देखिए फिर से बैलून की शेप चेंज हो गई और ये बैलून नीचे की तरफ आ गया है। अब ये चेंज क्यों आया स्टूडेंट्स, इसके लिए याद रखिएगा कि जब भी एयर ठंडी होती है यानी हवा ठंडी होती है तो वो भारी होकर नीचे की तरफ आती है। तो जब एयर यहाँ पर नीचे की तरफ आई तो ये बैलून भी नीचे की तरफ आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्टिविटी समझ आई होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं, थिंक एंड ट्राई टू आंसर व्हाट मेक्स द बैलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर। यानी कि जब हमने इस ट्यूब को गर्म पानी में डाला तो ट्यूब के ऊपर लगा बैलून ऊपर की तरफ क्यों उठ गया। व्हाई इज द सेम बैलून डिफ्लेटेड व्हेन द ट्यूब इज केप्ट इन कोल्ड वाटर। और जब हमने इसी ट्यूब को ठंडे पानी में डाला तो जो बैलून था वो नीचे की तरफ क्यों आ गया। कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। तो अब हम ये कह सकते हैं कि गर्म होने पर हवा ऊपर की तरफ उठती है और फैलती है। कैन यू नाउ स्टेट वट हैपन्स टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब वेन इट कूल्स डाउन। क्या अब आप ये बता सकते हैं कि जब हवा ठंडी होती है तो क्या होता है। हम आपको ऑलरेडी ये बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि हवा गर्म होने पर हल्की होती है और ऊपर की तरफ उठती है और फैलती है, जबकि हवा ठंडी होने पर नीचे की तरफ आती है। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। यानी जो एक्टिविटी अब हम देखेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है और इस एक्टिविटी को देखने के बाद आपको हॉट एयर के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब हम एक्टिविटी 8.6 देखेंगे। टेक टू पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज। यानी कि आपको दो पेपर बैग्स लेने हैं या दो खाली पेपर कप्स लेने हैं सेम साइज के। हैंग द टू बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द टू एंड्स ऑफ अ मेटल और वुडन स्टिक। यानी कि आपको दो पेपर बैग्स को उल्टा करके टांगना है मेटल स्टिक पे या वुडन स्टिक पे। टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक। यानी कि इस स्टिक को हम धागे से पकड़ेंगे और बैलेंस करेंगे। पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग्स एज शोन इन द फिगर। यानी कि इसके बाद आप एक बैग के नीचे कैंडल जलाएंगे जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, जो अभी हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे भी। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, अब आपको देखना है कि क्या होता है। अब हम आपको डायग्राम के थ्रू ये पूरी एक्टिविटी समझाएंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर हमने दो खाली पेपर बैग्स लिए हैं और इन्हें उल्टा करके एक स्टिक के साथ यहाँ पर हैंग कर दिया है और यहाँ पर स्टिक के बीच में हमने एक धागा लगाया है और इस स्टिक को बैलेंस करके रखा है। यानी कि यहाँ पर दोनों बैग्स बैलेंस्ड है।
और उसके बाद हमने एक बैग के नीचे यहाँ पर कैंडल जलाई, और अब आप देख सकते हैं कि ये वाला बैग यहाँ से ऊपर की तरफ उठ गया है और ये वाला बैग अब नीचे की तरफ आ गया है। अब ये दोनों बैलेंस्ड नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझिएगा। जब हमने इस बैग के नीचे ये कैंडल जलाई तो इस बैग के अंदर जो हवा थी वो गर्म होना स्टार्ट हो गई, और जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की होकर फैलती है और ऊपर की तरफ उठती है। तो ये हवा भी जब ऊपर की तरफ उठी तो ये इस बैग को ऊपर की तरफ पुश करने लगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब ये बैग ऊपर की तरफ उठा तो ये वाला बैग नीचे की तरफ आया, क्योंकि इसके अंदर जो हवा थी वो ठंडी थी, और ठंडी हवा भारी होती है और नीचे की तरफ आती है, और गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर की तरफ जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी। अब हम आगे रीड करते हैं। व्हाई इज द बैलेंस ऑफ द बैग्स डिस्टर्ब्ड, हमने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट्स कि बैग्स का बैलेंस डिस्टर्ब क्यों हुआ था। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइजेज अप, क्या ये एक्टिविटी ये दिखाती है कि गर्म हवा ऊपर उठती है। एज द वार्म एयर राइजेज अप इट पुश द बैग अबव द कैंडल, और जब गर्म हवा ऊपर उठी तो उसने उस बैग को ऊपर की तरफ उठाया था। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर, क्या बैग के बैलेंस में हुई डिस्टर्बेंस ये बताती है कि गर्म हवा हल्की होती है ठंडी हवा के मुकाबले। हम आपको पहले ही डिटेल में ये बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि गर्म हवा हल्की होकर फैलती है और ऊपर की तरफ उठती है, जबकि ठंडी हवा भारी होती है और वो नीचे की तरफ आती है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई स्मोक ऑलवेज राइजेज अप, क्या अब आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्मोक हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों उठता है। तो स्टूडेंट्स स्मोक भी तो गैसियस फॉर्म है और वो भी गर्म होता है, तो वो भी हल्का होकर ऊपर की तरफ उठता है। ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, यहाँ पर हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि हवा गर्म होने पर फैलती है और ज़्यादा जगह घेरती है। वेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इट बिकम्स लाइटर, याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब कोई चीज़ फैलती है और ज़्यादा जगह घेरती है तो वह हल्की हो जाती है। द वॉर्म एयर इज देयर फॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर, तो अब हम कह सकते हैं कि गर्म हवा ठंडी हवा के मुकाबले हल्की होती है। दैट इज द रीजन दैट द स्मोक गोज अप, यही वजह है कि स्मोक यानी कि धुआं ऊपर की तरफ जाता है। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस वेयर वॉर्म एयर राइजेज एट अ प्लेस, नेचर में ऐसा कई बार होता है स्टूडेंट्स जब किसी जगह पर गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर्ड, और जिस जगह पर गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है वहां पर एयर प्रेशर कम होता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रश इन टू फिल इट्स प्लेस, इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है तो उसके नीचे खाली जगह बन जाती है, और ठंडी हवा उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से आती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।